अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज मेरे पास बोधन म्युनिसिपल काउंसिल में जो 28 फरवरी के दिन इजलास होने वाला है, उसका एजेंडे की कॉपी है मेरे सामने। कि बोधन म्युनिसिपल काउंसिल में एजेंडे में एक प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें एजेंडा नंबर नाइन में ये कहा जा रहा है कि बोधन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक अल्लामा इकबाल उर्दू हॉल है वहाँ पर बोधन में, उसकी ज़मीन पे एक मंदिर की तामीर की जा रही है। तो पहला सवाल यह है कि वहाँ के जो चेयरमैन हैं, बोधन म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन अनमपल्ली येल्लैया, इनका ताल्लुक टीआरएस से है, और बोधन में जो है टीआरएस के 14 म्युनिसिपल काउंसलर है, जिसमें से 7 मुसलमान हैं, और एमआईएम के 7 म्युनिसिपल काउंसलर है, 7 के 7 पूरे मुसलमान हैं। वाइस चेयरमैन जो है हबीब खान साहब, इन्हों भी मुसलमान हैं। तो ये बड़े हैरत की बात है कि 7 टीआरएस के मुस्लिम काउंसलर और 7 एमआईएम के मुस्लिम काउंसलर रहने के बावजूद ये बोधन म्युनिसिपल काउंसिल के एजेंडे में अनमपल्ली येल्लैया, जो इसका ताल्लुक टीआरएस से है, उन्होंने ये एजेंडा कैसा ला सकते कि बल्दिया का काम जो है आवाम को सहूलत पहुंचाना, रोड डालना, पानी की सहूलत देना, ये काम है। म्युनिसिपल काउंसिल का काम मंदिरों की तामीर नहीं है। ये मंदिर की तामीर इसलिए की जा रही है कि वहाँ पर एक कवि थे, पंपा कवि, जिसका ताल्लुक कर्नाटक से था। कुछ दिन बाद में वो आके बोधन में रहे और उनका इंतकाल हुआ। तो ऑलरेडी तेलंगाना गवर्नमेंट वो कवि को सम्मान देने के लिए वहाँ के वार्ड नंबर 23 में पंपा कवि की एक बड़ी समाधि बनाए, उसके ऊपर कई लाख रुपए खर्चा करें, फिर उस कवि के नाम पे फिर एक मंदिर बनाना, वो भी एक उर्दू माइनॉरिटी हॉल जो है उसकी ज़मीन पे बनाना, ये बात समझ में नहीं आई। और ये जो हमारे अनमपल्ली येल्लैया है, ये हालांकि है टीआरएस के बेचारे, लेकिन ये एजेंडा आज से कुछ दिन पहले विश्व हिंदू परिषद का एक इजलास हुआ था हैदराबाद में, उसमें एक करारदाद पास की गई थी कि ये पंपा कवि के नाम से एक मंदिर बनाना बोधन में। बल्कि वो विश्व हिंदू परिषद के इजलास के करारदाद को तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस के चेयरमैन अनमपल्ली येल्लैया एजेंडा में लाना। तो क्या अनमपल्ली येल्लैया का ताल्लुक विश्व हिंदू परिषद से है या टीआरएस से है? टीआरएस जो अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलती, तो ये बड़े अफसोस की बात है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि वहाँ के जो बोधन के एमएलए हैं, जनाब शकील आमिर साहब भी एक मुसलमान हैं, उन्हों क्यों खामोश है इस मसले पे, बात समझ में नहीं आ रही है। मुकामी खुद कुछ कारपोरेटर्स जाके उनसे ये नुमाइंदगी करे कि साहब, ये अनमपल्ली येल्लैया की मनमानी चल रही है, इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो बेचारे शकील साहब भी खामोश है इस मसले पर। ये पहली मर्तबा नहीं है, ये अनमपल्ली येल्लैया एक वीआर देसाई नामी एक वकील है, जो बार काउंसिल के प्रेसिडेंट भी है, उन्होंने वाटर वर्क्स, वहाँ पर बोधन म्युनिसिपल का जो वाटर वर्क्स का दफ्तर है, वो वाटर वर्क्स के दफ्तर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि एक मंदिर की तामीर के लिए कोशिश की गई थी आज से कुछ दिन पहले। तो ये काउंसिल के जो चेयरमैन है अनमपल्ली येल्लैया, आपका काम मंदिर बनाना नहीं है। आप अगर हो सकता कि कोई मजहब को फॉलो कर रहे हैं, आपकी जाती जमीन पे खरीद कर आप मंदिर बनाओ, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे को लाके म्युनिसिपल काउंसिल बोधन में ये एजेंडा आइटम नंबर 9 जो 28 फरवरी को होने वाला है, मैं उस दिन हमारे मजलिस के वाइस चेयरमैन, मजलिस के कारपोरेटर्स और टीआरएस के जो मुस्लिम काउंसलर्स है, उनकी क्या कारकर्दगी रहती 28 तारीख के दिन, मैं देखना चाह रहा हूँ। और मैं आमिर शकील साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आप अपने केटीआर साहब को बोलकर ये चेयरमैन को कंट्रोल करिए, वरना पहले से ही मुसलमान नाराज है टीआरएस से, आलेर एनकाउंटर की वजह से नाराज है, 12% रिजर्वेशन की वजह से नाराज है, वक्फ बोर्ड पे जायदादों पे कब्जे से नाराज है, पुलिस के जुल्म से नाराज है, और ये ऐसे कारकर्दगी से
बची कुची इज्जत भी मुसलमानों में टीआरएस की चले जाएगी।